राह के रास्ते से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के रास्ते से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। सो मूविंग ऑन, अब हम अपने गेस्ट नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं जो कि GM है मशरूम इंटरप्राइजेस के। मशरूम इंटरप्राइजेस बेसिकली एक फूड एजेंसी है जिसका एक बहुत वास्ट नेटवर्क है, तो उसके लिए मैं आई प्लीज़ रिक्वेस्ट मिस्टर कासिद अहमद टू कम ऑन स्टेज। मिस्टर कासिद अहमद, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गेस्ट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम। दिस अ ग्रेट ऑनर एंड सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर मी कि मैं आज इतने यंगस्टर्स को, एंथुसियास्टिक किस्म के यंगस्टर्स को यहाँ देख रहा हूँ और मैं उनसे बात कर रहा हूँ और पीस के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो मोस्ट रेलिवेंट है इन लोगों के साथ। ये वो टॉपिक है जिस पे अगर मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया जाए, आल्दो के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से है कि टाइम का बड़ी शॉर्टेज है, जुमा भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, तो इस पे मेरी तरह का एक स्पीकर्स भी घंटों बात कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी मैं फोकस करूँगा। लेकिन इस सब चीज़ों से पहले जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था स्टेज पर, तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर उन्होंने जुमला लिखा हुआ है, ट्रिब्यूट टू डिफेंडर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो मैं इस पर एक दो जुमले कहूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं कि जो भी कौमें अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं तो फिर वो माजी का हिस्सा बन जाती हैं, और इन चीज़ों को हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जिस तरह पहले सेलिब्रेट करते थे उस तरह आजकल नहीं कर रहे, तो इसलिए जो भी हमारे हीरोज़ हैं उन पे हमें बात भी करनी चाहिए और उनको हमें ज़िंदा रखना चाहिए और उनके कारनामे आपस में डिस्कस करने चाहिए और यंगस्टर्स को बताने चाहिए कि ये ना हो कि कुछ अरसे बाद जब ये लोग जवान हों तो इनको हमारे माजी का बिल्कुल पता ना हो कि हमारी माजी क्या है और हमारा क्या माजी था, क्योंकि माजी का हाल और फ्यूचर के साथ एक गहरा ताल्लुक है। तो हमारा एक शानदार माजी था और हमारे पास किरदार हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो ये एक जुमला मैं इसके बारे से कहना चाह रहा था। और इसके बाद मैं पीस पे बात करूँगा जिसके लिए बेसिकली मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो अगर आप गौर करें तो मालिक कायनात की भी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो अमन है। अमन सबसे इम्पॉर्टेंट है माशरे के लिए, कायनात के लिए, दुनिया के लिए, सब के लिए। और अगर आप पीस की बात करें, अमन की बात करें, तो इसके बेशुमार इंग्रेडिएंट्स हैं। अमन बज़ाहिर तो दो तीन अरफों से मिला हुआ एक लफ्ज़ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुख्तसर सा है, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। और मैं जब इन्होंने मुझे कहा कि अमन पे बात करेंगे तो मैंने कहा सिर्फ अमन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जब हमने कहा कि अमन है तो अमन है, अमन की बेशुमार रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसमें अगर आप देखें तो उसमें सबसे टॉप पे अगर कोई चीज़ जाती है किसी जगह अमन के लिए तो वह अदल व इंसाफ़ है। जिन माशरों में अदल व इंसाफ़ होता है वहाँ अमन होता है। इसके अलावा जो यंगस्टर्स के हवाले से मैंने सोचा कि क्योंकि यहाँ काशिफ भाई ने मुझे बताया कि यंगस्टर्स होंगे हमारे, तो यंगस्टर्स की क्या अहमियत है, आप यंगस्टर सोचेंगे कि अदल व इंसाफ़ या बाकी चीज़ें ये बेशुमार मैं गिनवा सकता हूँ जो अमन कायम रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो यंगस्टर्स के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीस में रोल है वो टॉलरेंस का है, बर्दाश्त का है। क्योंकि ये वो वक्त है जब आप बढ़ रहे हैं, आपका किरदार बन रहा है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तो अगर आप इस वक्त अपनी पर्सनैलिटी में बर्दाश्त, टॉलरेंस, एक दूसरे को बढ़ने का मौका देना, और कंपटीशन और जो टॉलरेंस है इसमें एक बारीक सा फ़र्क है, मतलब आपने कंपटीशन भी करना है लेकिन आपने टॉलरेट भी करना है। तो जो बर्दाश्त है ये यंगस्टर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त जो अपने आप लोग अपने किरदार में जिस चीज़ को शामिल कर सकते हैं वो अपने अंदर बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना, ये वो चीज़ें हैं, चाहे ये हम माशरों में देखें, ममालक में देखें, कौमों में देखें, जहाँ भी देखें, जो कौमें, जो ममालिक, जो माशरे
एक दूसरे के हकूक का ख्याल नहीं रखते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, वहाँ अमन नहीं होता। और जब अमन नहीं है तो तरक्की नहीं है। और नौजवानों के लिए ये वो वक्त है जब आप एक बिल्कुल एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं कि अभी आप स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, और अभी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तो इस वक्त जो आपका एटीट्यूड हो जाएगा, जो आपका रवैया बन हो जाएगा, वो आपकी फ्यूचर में उसको आप चेंज नहीं कर सकेंगे। एक वक्त आएगा कि जब आपकी कोई आदत बन जाएगी तो उसको आपके लिए बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप आज से ही अपने अंदर बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल और रवादारी, इन चीज़ों को डेवलप कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा माशरा एक पुरअमन माशरा होगा, और हम ही अमन के अलमदार हैं, हम ही लीडर हैं अमन के। और ये जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, तो एक्चुअली लीडर्स तो आप हैं, यंगस्टर्स लीडर्स हैं। और क्योंकि डिफरेंट स्पीकर्स आएंगे तो मैं हर एक बेशुमार चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, और अगर मैं वन पॉइंट अगर कहूँ तो वो यही होगा कि नौजवान अपने अंदर अमन कायम करना है अगर, तो नौजवान अपने अंदर एक आदत डेवलप करें, वो ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें और ये आदत अपनी बनाएं, तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर महफूज होगा। शुक्रिया।